हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकराज यम सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, ये हमने फुल क्रीम लिया है, इसकी जगह आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे 6 ब्रेड लिए हैं, हमने यहाँ पे 50 ग्राम चीनी लिया है, ये हमने 3 टीस्पून हमने इसी स्पून से हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ता, काजू और बादाम। इसमें कोई और ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और ये हमने क्रीम लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं तो नहीं भी डालें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कस्टर्ड में दूध मिला देते हैं। इसी दूध से थोड़ा सा इसका घोल बना लेंगे, इस तरीके से, बिल्कुल भी गुठली ना रहे, बिल्कुल अच्छे से इसका हम घोल बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने घोल तैयार कर लिया है अपने कस्टर्ड पाउडर का। ये हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने गैस को ऑन कर दिया और हमने दूध उबलने रख दिया है। पहले हमारा दूध अच्छे तरीके से उबल जाए, फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा दूध जो है सो अच्छे तरीके से उबल गया है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाल के भी हम अच्छे तरीके से दूध को पका लेंगे पहले। ये देखिए, हमारा हमने चीनी डाल दिया था, इसमें चीनी हमारा अच्छे तरीके से घुल गया है। तो अब हम इसमें अपना जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था वो डालेंगे। वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे इस तरीके से, डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें सारा कस्टर्ड पाउडर का घोल हमने इसमें डाल दिया है। इसको धीरे धीरे गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा कम रखेंगे, इसे चलाते हुए इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखिए हमारे इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ी है। तो अगर आप डायरेक्ट एक साथ सारा डाल देंगे तो गुठलियां पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और चलाते जाएं। ये देखिए, हमने इसमें कस्टर्ड डाल के बहुत अच्छे तरीके से पका दिया है। देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा गाढ़ा सा है। ये अभी ठंडा होगा तो ये और ज्यादा गाढ़ा होगा। तो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसको साइड करेंगे। तो हमने ये ब्रेड लिया है, ब्रेड को हम पहले छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, ज्यादा छोटा नहीं करना, बस इस तरीके से, बस इस तरीके से काट लेना है सारे ब्रेड को। अगर आप इसके किनारे को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, काट लेंगे। तो हम ब्रेड को पहले सेकेंगे, तो उसके लिए हमने फ्राई पैन लिया है, उसमें हम घी डाल देंगे। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, इस तरीके से घी डाल देंगे, फैला देते हैं और इसमें हम ब्रेड को डाल देंगे। अब ब्रेड को हमें क्रिस्पी होने तक इसे सेकना है। आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी इसे कर सकते हैं, तरीके से इसको क्रिस्पी होने तक इसे हमें तलना है। थोड़े गैस की फ्लेम को कम करके करेंगे, नहीं तो अगर गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे तो हमारा ब्रेड जल जाएगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, इस पे इसको हम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों तरफ से इसको पलट के क्रिस्पी सा कर लिया है, देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारा ये क्रिस्पी सा हो गया है फ्राई। तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसी तरीके से बाकी सारे ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी सा। थोड़ा सा घी डालेंगे, फिर से इसमें सारे ब्रेड को डाल देंगे, जितना आ पाए एक बार में डाल देंगे इसमें। अब फिर से इसको भी हमने क्रिस्पी कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे फ्राई को क्रिस्पी सा, हम ये सारे ब्रेड को हमने क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया, देख सकते हैं। इसको साइड करते हैं। और ये देखिए, हमारा कस्टर्ड भी जो है सभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, पर ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें ये हमने जो क्रीम लिया है वो क्रीम डाल देंगे। आप बगैर क्रीम के भी बना सकते हैं इसे, ये ऑप्शनल है। इसको डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिला देंगे।
तो ये देखिए हमने तो हमने इसमें क्रीम मिला दिया है अच्छे तरीके से। तो अब इसको साइड करते हैं। और हमने ये एक बर्तन लिया है, ये हमारा डोंगा है, उसमें हम ब्रेड को लगा देंगे पहले। ये बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में, आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं इसे, या वैसे भी नॉर्मली अगर मेहमान आ जाए या नॉर्मली भी आपको कुछ खाने का मन हो मीठा तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इस तरीके से लगा देंगे। इस पे डालेंगे कस्टर्ड। इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया है और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट से इस पे डाल देंगे। और इसी तरीके से फिर दूसरा लेयर लगाएंगे। इस तरीके से इसको लगा लेंगे। जो भी हमारा ये बच रहा है इस तरीके से ब्रेड तोड़ तोड़ करके भी डाल सकते हैं। हमने इस पे ब्रेड लगा दिया है दोबारा से। इस पे फिर से एक लेयर कस्टर्ड का डालेंगे। देखिए हमने इस पे फिर से कस्टर्ड डाल दिया था। फिर से थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाल देंगे और फिर से दूसरी लेयर लगाएंगे ब्रेड का। देखिए हमने फिर से इस पे ब्रेड का लेयर लगा दिया है। इसके ऊपर से फिर दोबारा हम कस्टर्ड डालेंगे। तो इसी तरीके से हम ऊपर से भी लेयर लगा देंगे कस्टर्ड का। जैसे जैसे हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है वैसे वैसे हमारा ये कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है। देखिए हमने इस पे कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। तो अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट फिर से ऊपर से अच्छे से डाल देंगे। पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह जो भी है, कुछ और भी ड्राई फ्रूट आपको डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसे हम फ्रीज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो हम इसको फ्रीज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसको हमने दो घंटे फ्रीज में रख दिया था और अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं किसी भी त्यौहार में या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, चाहे कुछ भी घर में खाने का मन हो मीठा तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने सर्व कर लिया है। हमने इसमें ऊपर ऊपर से भी थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट फिर से डाल देंगे। और ऐसी आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।